नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लेटेस्ट सी बुक की चैप्टर 2 की प्रॉब्लम एच सी। शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रॉब्लम में हमें एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ लेनी है और उसके बाद एक प्रोग्राम लिखना है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम साइड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। तो सपोज द साइड्स ऑफ थ्री ट्राइंगल्स है 3, 4 और 5, ये उनकी लेंथ है। तो सबसे पहले हम इनका सम निकालेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो सम इज इक्वल टू 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 2। और उसके बाद एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है इक्वल टू एस मल्टीप्लाई, इन तीनों साइड्स को हम नाम दे देते हैं, साइड ए इज इक्वल टू 3, साइड बी इज इक्वल टू 4 एंड साइड सी इज इक्वल टू 5। तो एरिया होता है सम इनटू सम माइनस ए सम माइनस बी एंड सम माइनस सी का मल्टीप्लिकेशन, और इसके बाद इस सब का हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो ये हमारा एरिया निकल के आ जाएगा और इसी लॉजिक का इस्तेमाल हम अपने प्रोग्राम में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग। वही हमारा चित परिचित प्रोग्राम लिखने का तरीका। सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे, उसके बाद हम इनपुट को वैलिडेट करेंगे, उसके बाद हम लॉजिक लिखेंगे और फाइनली हम आउटपुट प्रिंट करवाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने लिया यूज़र से इनपुट। यूज़र से इनपुट में हमने लिया साइड्स ए बी और सी, स्कैनफ का यूज़ करके हमने उनको पढ़ा इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स में ए बी सी। फाइनली सम और एरिया स्टोर करवाने के लिए हमने दो और वेरिएबल डिक्लेयर किए फ्लोट टाइप के। अब हम आते हैं अपने वैलिडेशन पर। तो जो हमने यूज़र से इनपुट लिया है ए और बी एंड सी साइड्स, उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करवा के देख लिया कि यूज़र ने जो इनपुट लिया है हमने वही इनपुट हमने वेरिएबल्स में सेव करवाया है। फाइनली इसके लॉजिक पे आते हैं। लॉजिक मैंने आपको पहले समझा ही रखा है। सम करेंगे सारी साइड्स का सम डिवाइड बाई 2, और उसके बाद एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। मेन बात इस प्रोग्राम में है स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट एक पहले से ही डिफाइंड फंक्शन है जो कि math.h नाम की हेडर फाइल में डिक्लेयर किया हुआ है। इसीलिए इस स्क्वायर रूट का यूज़ करने के लिए हमें math.h को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमें कंपाइलेशन एरर आएगी। फाइनली जब हमारा एरिया निकल गया तो हम इसको प्रिंट करवा देंगे एरिया को। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे stdin मैंने तीनों साइड्स की लेंथ दी है 3, 4 एंड 5। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट करवाने पर यहाँ पे हमने वैलिडेट करवाया और एग्जीक्यूट करवाने पर उसका एरिया आया है 6। अब दोस्तों, एक बार मैं ये हेडर फाइल हटा कर आपको दिखाता हूँ एग्जीक्यूट करवा के। अगर हम हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे तो देखिए हमारे पास ये एरर आ जाएगी कि math.h जो है वो इनकम्पैटिबल डिक्लेरेशन नहीं है। तो इसीलिए हमें math.h हेडर फाइल इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसे सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सॉल्व करी चैप्टर 2 की प्रॉब्लम सी ऑफ सेक्शन एच। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 की ही नेक्स्ट प्रॉब्लम। जुड़े रहिए मेरे साथ, दिखाते रहिए अपना प्यार, लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय।